म्यांमार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक हवाई जहाज पर फायरिंग की गई। ये हमला जमीन से किया गया और गोली 3500 फीट ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज में बैठे शख्स को लग गई। गोली लगने के बाद खून से लथपथ शख्स को लैंडिंग करने के तुरंत बाद अस्पताल ले जाया गया। म्यांमार नेशनल एयरलाइंस का ये विमान 63 यात्रियों को ले जा रहा था। पूर्वी राज्य काया की राजधानी लोईकाव में उतरने वाला था, उसी वक्त ही हमला किया गया। इस घटना से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में विमान में गोली का छेद दिखाई दे रहा है। एक पुरुष यात्री खून से लथपथ अपनी सीट पर बैठा है। कहा जा रहा है कि गोली उनके गले के पास से निकली थी। म्यांमार की सैन्य सरकार ने विद्रोही बलों पर विमान पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया। हालांकि विद्रोही समूहों ने आरोपों से इनकार कर दिया।